नमस्ते विद्यार्थियों, सुप्रभात। शुभ दिन की शुरुआत करते हैं आज फिर एक नए बिंदु के साथ में। मैं मयंक चतुर्वेदी आपके सामने फिर व्याकरण की एक नई इबारत को लेकर के सामने उपस्थित हुआ हूं और बात करेंगे विकारी शब्दों की ही। जिस विकारी शब्दों को कल अपन ने पढ़ा संज्ञा को, आज अपन बात करेंगे सर्वनाम की। तो शुरुआत, वैसे विषय बड़ा सरल है और हम अधिकतर परीक्षा में इस लिहाज से इसको छोड़ देते हैं कि सरल विषय है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन यदा कदा अगर सर्वनाम पर एसटीसी या बीएड में प्रश्न कर लिया जाता है तो क्या संभावना है कि किस तरह का प्रश्न होगा अगर आ जाता है सर्वनाम पर या संज्ञा पर। तो कुछ इस तरह से एक अलग पैटर्न पर अपन बात करेंगे कि अगर प्रश्न संभावित है, पूछे जाते हैं, तो किस आधार पर पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से आज मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सर्वनाम की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि बोर्ड पर मैंने इसका नाम लिख दिया सर्वनाम। मैंने कल एक प्रश्न किया था कि संज्ञा को संज्ञा न कहें तो क्या कहेंगे, नाम। ठीक है, याद है आप सभी को। अब मैं इसी प्रश्न को इस टॉपिक से जोड़ता हूँ और मैं फिर वही प्रश्न दोहराता हूँ कि सर्वनाम को सर्वनाम न कहें तो क्या कहेंगे। ये मेरा प्रश्न है कि सर्वनाम को सर्वनाम न कहें तो क्या कहेंगे, तो जवाब क्या आएगा, तो जवाब क्या आना चाहिए। सर्वनाम शब्द का अर्थ देखें, अगर हम देखें गौर से तो सर्व धन नाम, सर्व का मतलब सभी का, सबका, और नाम का मतलब नाम। तो ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयोग में आता, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो अगर इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जाए तो मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे तन्वी, भाग्यश्री, जय, ये बहुत से नाम हैं ऐसे, तो ये तो क्या हो गए, संज्ञा हो गई, है ना। लेकिन सर्वनाम शब्द कुछ अलग होते हैं। सर्वनाम की अगर परिभाषा की बात करें तो सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है, सर्वनाम की परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा के बदले जो शब्द काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों को हटा दें और उनकी जगह कोई दूसरा शब्द रख दें जो संज्ञा का ही काम कर रहा है, संज्ञा के स्थान पर काम आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे मैंने मोहन, राकेश, सुरेश, मोहन को अगर मैं मोहन कहूँगा तो क्या सुरेश जवाब देगा, नहीं देगा। सुरेश को सुरेश कहूँगा तो सुरेश ही जवाब देगा, मोहन को मोहन कहूँगा तो मोहन जवाब देगा। अर्थात ये तो हो गए इनके नाम, इनके अपने अपने नाम, सबके अलग अलग नाम होते हैं जिससे वो व्यक्ति पहचाना जाता है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि संज्ञा शब्द अपने लिए होता है, खुद के लिए होता है, व्यक्ति विशेष के लिए होता है, सर्वनाम शब्द की बात करें तो सर्वनाम शब्द जो है वो सभी के लिए होता है। बोर्ड पर आप देखें तो आपको वही चीज़ दिखाई देगी, सभी का नाम सर्वनाम। अर्थात ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग में आए हैं, सुरेश के लिए, मोहन के लिए, तन्वी के लिए, भाग्यश्री के लिए, जय के लिए, सभी के लिए प्रयोग में आ जाएं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द जो कॉमन हो और सभी के लिए प्रयोग में आता हो, जबकि संज्ञा क्या है, वो शब्द अपने लिए प्रयोग में आ रहा है ना। तो ऐसे शब्दों को जो सभी के लिए प्रयोग में आए, ऐसा शब्द जो सभी का नाम हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर तुम शब्द, यहां पर एक सर्वनाम शब्द मैं लिखता हूं, तुम शब्द क्या है, ये सर्वनाम है। यहां पर लिखता हूं मैं रमेश, ये क्या है, संज्ञा है, है ना। अब देखिए रमेश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, सिर्फ रमेश के लिए, सुरेश के लिए नहीं, मोहन के लिए नहीं। लेकिन तुम शब्द का प्रयोग देख लीजिए आप, हम रमेश के लिए भी कर सकते हैं, सुरेश के लिए भी कर सकते हैं, मोहन के लिए भी कर सकते हैं, तन्वी के लिए भी कर सकते हैं, बागेश्वर के लिए भी कर सकते हैं, जय के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि सभी के लिए कर सकते हैं।
जबकि इसका प्रयोग उस व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है। तो ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग में आए, जो सबके नाम हो, सभी का नाम हो, उसे हम कहेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम अर्थात सबका नाम, सभी का नाम, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो आज हम उन्हीं सर्वनाम शब्दों की बात करेंगे। तो ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग में आते हैं, सभी के लिए कॉमन हो, सभी का प्रयोग होता हो, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहेंगे। और ये संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। जैसे सुरेश तुम आए नहीं, सुरेश आया नहीं है, है ना। अब सुरेश आया नहीं है ये वाक्य है, इसमें सुरेश क्या है, संज्ञा है। अब सुरेश को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, उसको बदल देता हूँ, उसकी जगह सर्वनाम शब्द काम में लेता हूँ, वह आया नहीं है। तो वह क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर काम आया, सुरेश की जगह काम आया, सुरेश के स्थान पर काम आया, तो वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम। और वह का प्रयोग सुरेश के लिए भी किया जा सकता है, रमेश के लिए भी किया जा सकता है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। तो आज हम उन्हीं सर्वनामों पर बात कर रहे हैं, सर्वनाम अर्थात सभी का नाम। तो सर्वनाम को सर्वनाम न कहें तो क्या कहेंगे, सबका नाम। क्या कहेंगे, सबका नाम। अब सर्वनाम के हम भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य 3 प्रकार आ जाएंगे आपके, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इन 6 सर्वनामों को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। किसके आधार पर, तो शब्दों के आधार पर। अलग अलग सर्वनाम शब्द होते हैं तो उसके आधार पर हमने प्रकार निर्धारित कर दिए कि ये जो शब्द है वो ये प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले अपन, मैं यहाँ पर भेद लिख रहा हूँ, तो आप भेद लिख लें। नंबर पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पर है निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पर है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देख लीजिए ये प्रकार हैं, 6 प्रकार। इन 6 प्रकारों पर अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूं तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो 3 भेद हो गए। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। तो संख्या में 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। परीक्षा में यह भी पूछा गया था एक बार कि पुरुषवाचक सर्वनाम का निम्न में से भेद है या नहीं है, है ना। दोनों पूछा जा सकता है। ये 3 भेद हमें याद रखने हैं ताकि कोई दूसरा प्रकार अंदर गलत उत्तर के रूप में हो तो हम उसको ध्यान रखें। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब प्रश्न ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे बात को कहने वाला वक्ता हो गया, बात को सुनने वाला जो बात को सुन रहा है श्रोता हो गया, या वक्ता या श्रोता के मध्य जो बातचीत चल रही है किसी तीसरे व्यक्ति की, यानी कि अन्य पुरुष, तीसरे व्यक्ति का बोध होता हो, तो बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में, तीसरे व्यक्ति के संबंध में बात की जा रही है का बोध होता हो,
ऐसे शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वो उत्तम पुरुष का मतलब होता है बात को कहने वाला, जो बात कर रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वक्ता, बोलने वाला, ठीक है। इसी तरह मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, तो जो बात को सुन रहा है, ये होगा श्रोता। और अन्य पुरुष किसे कहेंगे, तो जिसके संबंध में बात कही जा रही है। तो ये तीन व्यक्ति मैंने आपको बताया कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो जो बोल रहा है उसको हम क्या, किस नाम से जानेंगे, उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति सुन रहा है उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुष। और दो व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वहां पर नहीं है, है ना, या दूर खड़ा है, उसको हम कहेंगे अन्य पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से सर्वनाम शब्द हैं जो उत्तम पुरुष का बोध कराते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जो मध्यम पुरुष का बोध कराते हैं, और ऐसे कौन से शब्द हैं, सर्वनाम शब्द, जो अन्य पुरुष का बोध कराते हैं। तो मैं उनको यहां पर लिख रहा हूं, देखें आप। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमें। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तू, तेरा, तुझे, तुझसे, आप, आपने, आपको। और अन्य पुरुष में आ जाएगा आपके यह, वह। अब देखिए, ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमें। तो ये हमेशा बात जो कहता है वो प्रयोग में लाता है। कैसे, कि जैसे मैं बात आपसे मुखातिब हूँ, अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपना नाम नहीं लिया, मयंक बोल रहा है ना। तो मैंने संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द काम में लिया, मैं। तो मैं कौन सा सर्वनाम हुआ, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष के आप सभी पढ़ रहे हैं, आप सभी, तो देखिए मैंने आप शब्द काम में लिया, तो वो किसके लिए आया, आप जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए काम में लिया, यानी आप सुन रहे हैं, तो बात को सुनने वाला है ना। तो यहां पर ये हो गया मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आ जाएंगे, तू, जिसको बात कही जा रही है, जो सामने खड़ा है, तू, तेरा, तुझे, तुझसे, आप, आपने, आपको, ये क्या हो गए, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। अन्य पुरुष सर्वनाम यानी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति की, तो हम कह सकते हैं यह और वह, उसने, उसको, वगैरह वगैरह, ये भी सर्वनाम शब्द में आएंगे, तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखूंगा, उन उदाहरणों पर अपन बात करेंगे। कि जैसे मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, दूसरा है मैं घर जाना चाहता हूं, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए
तब तक वह चला गया। इसके बाद आजकल आप कहाँ रहते हैं? वह पढ़ने में बहुत तेज है। अब देखिए, ये जो सर्वनाम शब्द हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, इससे संबंधित मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब आपको क्या करना है कि जो सर्वनाम शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है, और साथ में उस वाक्य के अंत में आपको कोष्टक में लिखना है कौन सा सर्वनाम है। उत्तम है तो उत्तम लिखना है, मध्यम है तो मध्यम लिखना है, और अन्य पुरुष है तो अन्य पुरुष सर्वनाम लिखना है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। पूरा ध्यान वाक्य पे रखें कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो इस वाक्य में किसकी बात की गई है? इसकी बात की गई है मैं की, तो मैं कौन सा सर्वनाम हुआ? यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर काम आया इसलिए सर्वनाम हुआ। कौन सा सर्वनाम हुआ? मैं, तो देख लीजिए यहाँ पर उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर बात को ये कह रहा है मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो बात कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, तो यहाँ पर हम बताएंगे ये कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। इसी तरह से दूसरा वाक्य अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाक्य में हमें क्या निकल के सामने आता है, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पर इसकी बात की गई है मैं की, तो मैं सर्वनाम है और कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तो यहां पर आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तो आप कौन सा सर्वनाम हुआ, उत्तम हुआ, मध्यम हुआ या अन्य हुआ? तो यहां पर देखें हम, आप कहां पर आएगा, किसको कह रहे हैं, सामने वाले को कह रहे हैं जो बात सुन रहा है, तो ये हो गया मध्यम पुरुष हो गया। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, तो यहां पर देखें दो सर्वनाम है, तुम और वह, तो यहां पर दो सर्वनाम हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, क्योंकि यहां पर तीसरे व्यक्ति की भी बात की गई है जो वहां पर नहीं है, अन्य पुरुष। इसके बाद आजकल आप कहां रहते हैं, तो यहां पर फिर आप आया, सामने वाले को पूछा जा रहा है श्रोता को, तो आप कौन सा सर्वनाम हुआ, मध्यम पुरुष सर्वनाम। वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यहाँ पर देखें आप किसकी बात की गई है, वह की बात की गई है, तो यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम हुआ, यहाँ देखें दो जने बात कर रहे हैं आपस में, तीसरे की बात कर रहे हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम हुआ। इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। इस चीज़ को समझना है, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम को समझना है तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, बात को कहने वाला जिसको वक्ता कहा जाता है। इस पर भी प्रश्न बनता है, बात को कहने वाला या वक्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। बात को सुनने वाला या श्रोता के लिए किस सर्वनाम को किस नाम से जाना जाता है, मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। जिसके संबंध में बात कही जा रही है, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, तो यह, वह, और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इन उदाहरणों के अलावा बहुत से उदाहरण हैं, आप भी बना सकते हैं, और हमें देखना यह है कि वाक्य में किसके लिए क्या कहा जा रहा है, उस आधार पर हम बताएंगे कि जैसे मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं की बात की गई है, तो ये उत्तम पुरुष है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको एक बार नोट कर लें, फिर अगले सर्वनाम की ओर हम आगे बढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं अगले सर्वनाम की ओर, निजवाचक सर्वनाम की। निज का मतलब क्या होता है? अधिकतर हम बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कोई वस्तु अगर हमारी है तो हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ निजी है, ये मेरी निजी है, मेरी खुद की है। तो जहाँ पर खुद की बात आ जाए, खुद के लिए अगर हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम।
तो उदाहरणों के द्वारा हम इसको और अधिक स्पष्ट करेंगे। तो निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो निज का मतलब होता है निजी, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो निजता का बोध कराते हैं? तो वो मैं सर्वनाम शब्द लिख देता हूं। आप, स्वयं, खुद और एक और है स्वतः। ये चार शब्द हमेशा वाक्य में निजता का बोध कराते हैं किसी वस्तु के लिए, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। तो देखते हैं उदाहरणों के द्वारा। मैं यहां पर उदाहरण लिख रहा हूं। मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। आप भला तो जग भला। मैं यह काम स्वयं ही कर सकता हूं। अब जैसे परीक्षा में इनमें से कोई एक वाक्य आ जाए और पूछा जाए उक्त वाक्य में निजवाचक सर्वनाम निम्न में से है, जैसे वाक्य दे दिया कोई भी, और उस वाक्य में ये इनमें से कोई भी एक वाक्य दे दिया और आपको पूछा कि उक्त वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो बता सकते हैं हम कौन सा हो सकता है? बताइए। तो यहां पर देखें आप, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तो ये आप शब्द खुद के लिए कि भाई मैं खुद कर लूंगा, आप कर लूंगा यानी स्वयं कर लूंगा। आप भला तो जग भला, तो यहां पर खुद की बात की गई, अगर खुद भले होंगे तो जगत भी भला दिखाई देगा। मैं यह काम स्वयं ही कर सकता हूं, स्वयं शब्द आ गया। इसके बाद मैं खुद काम कर लूंगा, तो यहां पर खुद, एक और रह गया शायद, स्वतः ले लेते हैं। मैं स्वतः चला जाऊंगा, मैं स्वतः चला जाऊंगा, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम हो गया? स्वतः। तो हमें यह ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, वाक्य दे देगा और पूछेगा कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है जो खुद के लिए प्रयोग में आता है ना। तो हम बता सकते हैं कि आप, स्वयं, खुद और स्वतः ऐसे शब्द हैं जो निजता का बोध कराते हैं किसी कार्य के लिए, किसी वस्तु के लिए। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। अब एक चीज हमें थोड़ी सी ये ध्यान रखनी है कि यहां पर जो आप शब्द है ना, वैसे तो देखा जाए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है, हमने वो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े आप, लेकिन वहां पर पंक्ति का भाव किसके लिए था? सामने वाले व्यक्ति के लिए, जो श्रोता था उसके लिए था। तो वाक्य का भाव समझना है, फिर हमें सर्वनाम को निर्धारित करना है कि ये मध्यम पुरुष में आएगा या फिर किस में आ जाएगा, निजवाचक में आएगा। अगर कार्य खुद के लिए है, खुद को संबोधित किया जा रहा है आपके द्वारा, तो वो निजवाचक हुआ, और दूसरों के लिए किया जा रहा है आप, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं निजवाचक के बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? अगर ये बात आ जाए
तो नाम से हम पता कर सकते हैं किसे कहेंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बता रहे हों उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो निश्चितता का बोध हो रहा है कि हाँ भाई यही चीज़ है, दूसरी नहीं है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, फिक्स वही है, दूसरा कोई और चीज़ नहीं। तो ऐसे कौन से सर्वनाम शब्द हो सकते हैं, तो बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, निश्चितता का बोध कराते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं। कौन से हो सकते हैं, तो यहां पर देख लें, यह ये वह वे, ये चार जो सर्वनाम हैं, आपने शायद उदाहरण भी सोच रखे होंगे, तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये सर्वनाम शब्द हैं, किसी निश्चितता का बोध कराते हैं, कैसे। लेकिन इससे पहले यह और ये और वह और वे, हमेशा ध्यान रखना, इसमें भी हम अगर देखें तो यह और ये शब्द जो हैं इसको हम नाम दे सकते हैं निकटवर्ती, निश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब सर्वनाम तो है ही, निश्चितता का भी बोध करा रहे हैं, लेकिन साथ में वो क्या निर्धारित कर रहे हैं, पास की चीज को निर्धारित कर रहे हैं। पास में है वो चीज, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है। इसके बाद में वह और वे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात क्या करते हैं, ये किसी दूर की चीज की ओर इशारा करते हैं, किसी दूर की वस्तु की ओर इशारा करते हैं, इसलिए ये दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है, निश्चितता का बोध करा रहे हैं दूर की चीज के लिए। उदाहरण मैं जल्दी से बता देता हूं, आप नोट करें, यह गाय है। दूसरा उदाहरण है, वह विलायती घोड़ा है। यह कार मेरी है। वे मिठाइयां हैं। अब देखें, यहां पर इन चार उदाहरणों में हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर यह गाय है, तो ये निश्चितता प्रकट हो रही है कि ये गाय है, इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है गाय की ओर। अब देखिए, ये घोड़े, वह विलायती घोड़ा है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम के द्वारा उस घोड़े के बारे में संकेत किया जा रहा है कि वो कैसा है, विलायती है। तो निश्चितता बताई जा रही है कि वह विलायती घोड़ा है, सामान्य घोड़ा नहीं है, देशी घोड़ा नहीं है। यह कार मेरी है, तो कार की ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि यह कार, तो यह सर्वनाम हो गया। और वे मिठाइयां हैं, संकेत किया जा रहा है कि वे मिठाइयां हैं, निश्चितता बताई जा रही है। तो यह वह वे वह, तो ये कौन से सर्वनाम हुए, निश्चयवाचक सर्वनाम हुए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ये उस निश्चयवाचक का विपरीत है। तो कह सकते हैं अनिश्चितता प्रकट हो रही है, किसके द्वारा, कोई और कुछ के द्वारा। तो मैं सीधा उदाहरण लिखूंगा और हम पता करेंगे, मुझे कुछ खाना है। दूसरा उदाहरण, कोई आ रहा है। तीसरा उदाहरण, मुझे बाजार से
कुछ लाना है, और चौथा कोई आया था। अब देखिए सारे उदाहरणों में यहां पर किसी चीज की अनिश्चितता प्रकट हो रही है। तो कुछ शब्द क्या खाना है निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ खाना है तो खाने की अनिश्चितता है। कोई आ रहा है तो जो आ रहा है उसकी अनिश्चितता है कि वो कौन है वो पता नहीं है, अनिश्चितता है। कोई आ रहा है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, क्या लाना है उसकी अनिश्चितता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है अनिश्चयवाचक है। कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की अनिश्चितता के कारण हम कह सकते हैं कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनामों की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न को प्रकट करें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न सूचित होगा, बड़ा सरल सा है, सीधा, देखो तो कौन आया है, और दूसरा आपने क्या खाया था। अब यहां पर कौन और क्या, ये दो सर्वनाम ऐसे हैं जो प्रश्न बनाते हैं। कौन की जगह हम संज्ञा शब्द काम में ले लेंगे तो संज्ञा हो जाएगी, लेकिन संज्ञा के स्थान पर हमने कौन सा शब्द काम में लिया, कौन लिया, तो कौन सर्वनाम हुआ और कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि ये प्रश्न बना रहा है। उसी तरह से क्या शब्द भी प्रश्न बना रहा है। तो इसी तरह से कौन और क्या प्रश्न बनाते हैं, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंत में हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। घटनाओं और व्यक्तियों के मध्य संबंध बढ़ाते हैं, और वो सर्वनाम है जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी। बड़ा सरल सा है, तो कैसे देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरा जैसा बोगे वैसा काटोगे। और एक जो जागेगा सो पावेगा। अब देखिए यहां पर संबंध प्रकट हो रहा है, किसमें प्रकट हो रहा है, तो जैसी और वैसी सर्वनामों से किसमें संबंध प्रकट हो रहा है, करनी और भरनी में, करना और फिर उसको प्राप्त करना। जैसा वैसा सर्वनाम है, संबंधों को प्रकट कर रहे हैं किसमें, बोना और काटना में। इसी तरह से जो और सो सर्वनाम है, संबंधों को प्रकट कर रहे हैं किसमें, जागना और पाना। तो जो जागृत अवस्था यानी सचेत अवस्था है में रहेगा वही प्राप्त करेगा। तो ये जो सर्वनाम है ये सभी संबंधों को प्रकट करते हैं, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज ये सर्वनाम का विषय हमारा पूरा होता है। कल फिर नए बिंदु के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।